अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जनाब आज हम लोग जा रहे हैं कैनेडा एम्बेसी, वहाँ पर हम लोग का बायोमेट्रिक है और वसीम की अपॉइंटमेंट जो है वो पहले ही है 11:30 पे। हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे और मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो 4:30 बजे है। इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है, आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद हमारी दोनों की बायोमेट्रिक एक साथ कर लें। This one is my nail color for today with black outfit and jeans. एक सिल्वर दी चेन ते एक काइंड सिल्वर। तो चले जी चलते हैं। वसीम को आज मैं स्टार्टिंग वीडियो में नहीं ले रही क्योंकि जनाब जो है ना वो बड़े बिजी हैं। वैसे अगर बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो वसीम। आई डोंट यार, इसको का टाइम थोड़ा है, सिर्फ 13 मिनट रह गए हैं तो मसला ना हो जाए। मुझे इधर मोबाइल हटाओ, फोकस करना है। हाँ, ये मैं आपको चेक कराना चाह रही थी कि कोई टाइम नहीं है बोलने। इसके बाद जी जैसे ही हम लोग गए, मेरी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट की कि मेरी भी अपॉइंटमेंट के साथ ही कर दे। 4 घंटे मैं कहाँ वेट करूँगी। देवर सो नाइस, और उन्होंने अपॉइंटमेंट साथ ही बुक कर दी। हम लोगों ने एक साथ बायोमेट्रिक किया। बच्चों का नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है। खैर, अंदर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं अंदर वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर दीवारों पर बाकायदा पेंट किया हुआ था हाथ से, सीनरीज नहीं। अगर आप लोग भी फैमिली के साथ आओ तो मेक श्योर कि आप 30 मिनट पहले अपनी अपॉइंटमेंट से आओ। एक्चुअली में पेंटिंग है और लग ऐसे रही है जैसे कि ना कुछ दीवार पे बनाया हुआ है। और ये रहा इस मॉल का पूरा ओवरव्यू, जो बिल्कुल काउंटर टू काउंटर होता है ना, लास्ट से लास्ट तक। गाइस हम वाकई मॉल में बायोमेट्रिकली आए थे, लेट हो गए थे, गाड़ी भगाई मैंने 140 की स्पीड पे। खैर पहुंच गए यहाँ पे और टाइम से हमारी अटेंड हो गई बायोमेट्रिक। अब इसके बाद हमारा प्लान है कुछ खाने को, भूख लगी हुई, नाश्ता नहीं किया, सो लेट्स सी के अभी क्या करते हैं। और जनाब फरवा को बहुत भूख लगी है। फटाफट से। और जनाब जहाँ पर मौका मिलता है हम लोग साथ साथ अपनी रील्स भी शूट कर लेते हैं, एक व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं। और प्लस जो है ना, यूट्यूब को इन्हेंस करने के लिए हमें रील्स की ज़रूरत पड़ती ही है। और फरवा खूब मस्तियाँ कर रही थी वहाँ पे, इतना ज़्यादा टोटली इजिप्शियन वाला सारा बना हुआ है वाफी मॉल में, कैनेडियन एम्बेसी में हम लोग गए थे। अच्छा गाइस, मज़े की चीज़ बताऊँ, इसकी एंट्रेंस पे जो है ना ये बहुत ही कमाल का वर्क है, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर सारी जो मम्मीज़ बनी हुई हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये एरिया विजिट किया है, बट मैं आपको दिखाती हूँ सारा कुछ को क्या है ना। ये चेक करें आर्ट, अभी इसका क्या सारी बतखे हैं, बंदे हैं, इस तरह से पूरा कुछ होगा, कुछ कल्चर वगैरह होगा इसका। और यहाँ पे ये सूरज की शुआएँ आ रही हैं और यहाँ पर ये हो रहा है इसका कश्ती का, ये सी का एरिया है। बड़े ख़तरनाक जानवर है ये, आई थिंक इसमें जो सारे हैं ना वो लैंड के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं मुझे सारे। देखें, गायें हो गई, शेर हो गया, इसमें जो है वो पानी के ख़तरनाक सारे जानवर हैं, इसमें फिशेस हैं, सारी मछलियाँ, एंड इधर क्या है, आम आंख से अगर आप देखोगे तो आपको नज़र तो नहीं आएगा, बट इसमें है बंदे जो हैं कुछ कर रहे हैं, शायद पैरामिड बना रहे हैं। और ये सारा कुछ यूँ है, पूरा ऊपर भी है। अच्छा, यही अगर मैं खुद की आंख से देखना चाहूँ तो मुझे नज़र नहीं आएगा, बट कैमरे में जाके जो सारा व्यू कैप्चर हुआ है वो ला हम बता नहीं सकती। इस तरह से देखें, ये जैसे ये है समंदर का, वो पूरा क्या कहते हैं बीच है। बड़ा दिमाग चाहिए टोटो में बनाने के लिए भाई। अच्छा, इसमें मैं ना कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ। ये देखें नीचे से ये जानवर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर लाइक ये देखें, ये कैद किया हुआ है, फिर उसके ऊपर ये कॉम्पिटिशन है, सही है। देखें वो जैसे हम रस्सा खेलते हैं ना, रस्सा कशाई, उस तरह से है, कुश्ती है, दंगल है, फिर उसके बदले में शायद ये पैसा दे रहे हैं, आई थिंक ट्रॉफी है या अवार्ड है, पता नहीं, ये सारे कॉम्पिटिशन है। और कितना मतलब खूबसूरती से बनाया, ये देखें ये एनिमल पकड़ रहा है, ये शिकार कर रहा है, सारा ऊपर भी है तो उसके ऊपर शायद राजा महाराजा का सारा सीन क्रिएट किया है। अगर एक एक मुझे वॉल को समझने में 10 मिनट लगे हैं, बाकी का मुझे क्या होगा। अभी इस वाली में भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसमें शायद जो उनके
और यहाँ मैं मेंशन करती जाऊँ, मुझे कनाडा जाने का फ़िलहाल कोई शौक नहीं है। हाँ अलबत्ता वसीम का ड्रीम कंट्री है तो घूमने के लिए ज़रूर जाएंगे, बट वहाँ जाने से पहले मैं अपना एक साल कंप्लीट लूँगी, कुछ एसेट्स वगैरह बनाने हैं, वो बनाने के बाद फिर मैं तसल्ली से जाऊँगी, क्योंकि कनाडा से डायरेक्ट पाकिस्तान की फ़्लाइट ईजी नहीं है भाई, बहुत सर्दी है, हड्डियाँ दुख जाती है, प्लस जो है आप इजी एक्सेस नहीं होता पाकिस्तान में, बार बार आप शादियों पे नहीं आ सकते हो, बार बार कोई खुशी गमी हो जाए आप नहीं आ सकते हो, ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो इसलिए बेटर है कि अपने सारे काम शाम जो है प्रॉपर बना के, जो घर वगैरह बनाने का वो सब कुछ है वो करके, तो फिर आप ऐसे यूरोप साइड पर मूव हो, जल्दबाजी ना किया करें ऐसे कामों में। अच्छा जनाब, आज क्या सीन है? आज हम निर्देशी डेरा जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और उसमें हम लोगों ने पहले से ऑर्डर कर दिया है। दो घंटे बैठ खाते रहेंगे रोटी, पहले से ऑर्डर कर दिया ताकि जो है ना पार्किंग में जो टिंग टिंग चल रही होती है ना, कि स्पेशली इनकी जो मज़े की डिश है ना वो है बीफ़ कबाब। तो बीफ़ कबाब बारबेक्यू आपको पता है टाइम लगता है, इसलिए वसीम साहब ने पहले ही ऑर्डर कर दिया कि भाई मेरी हांडी रखो। मैं वसीम को कह रही हूँ वसीम पता करो हांडी बन गई कि नहीं। अच्छा फरवा को उसकी फ्रेंड मिल गई है, तो अभी जो हाइड एंड सीख खेल रही है, उसके बाद उसका भी ब्लॉग शूट करना है, वसीम का भी ब्लॉग शूट करना है, दोनों ही दिमाग है, बाप अलग शिफ्ट में निकले हुए हैं, बेटी अलग शिफ्ट में निकली हुई है, लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी, ये खाने का आपको मज़ा आएगा जब भी आए देसी जगह में फ्राई। हाँ, और ये ट्रस्ट मी, इनका जो कबाब है ना बहुत ज़्यादा जूसी होता है बमुकाबले दूसरे रेस्टोरेंट से। इस डेरा के बाद जैसे ही हम लोग शाम को घर गए, तो घर जाने के बाद हमें एक और फ्रेंड की तरफ से बट कढ़ाई का पार्सल आया था, क्योंकि बट कढ़ाई जो एक और ब्रांच नहीं खुली है उसकी तरफ से है। जनाब रोगनी नान थे और बट कढ़ाई का आई थिंक चिकन था या मटन था, चेक कर ले। और खाना घर नहीं बना हमारा, दैट इज़ चिकन घर नहीं बना था, और बिलाल भाई ने भेजा था ये खाना। और फरवा के लिए आई थी अमित भाई की तरफ से बहुत सारी चॉकलेट्स, जिसका व्लॉग ऑलरेडी फरवा के चैनल पे है। हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गए फरवा और मैं वॉक करने, वहाँ पर था जी फरवा के फ्रेंड्स, ये सारे जो ओल्ड पीपल है ना ये सब फरवा के फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया करने के बाद वॉक शॉक कर। फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।